हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ब्रैंकियोस्टोमा। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं इसे जो है डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट कोशिश करूँगी कि ये जो है कंटिन्यू रहे और डेली जो है वीडियोस अपलोड होते रहें। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। सो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है इसका, ब्रैंकियोस्टोमा का, ये जो बाकी के कॉर्डेट्स हैं इनसे अलग है काफ़ी, क्योंकि इसका जो किडनी है, मतलब इसकी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो मीजोडर्मल या फिर सिलोमोडक्टस इन ओरिजिन नहीं है ये। सो इट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉर्डेट्स। सो ब्रैंकियोस्टोमा में जो नेफ्रिडिया है वो डेवलप होता है फ्रॉम एक्टोडर्मल सेल्स, और इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता मीजोडर्म के साथ। सो ये जो है, जो मीजो किडनी है वर्टिब्रेट्स की, जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, उसे काफ़ी डिफरेंट है ये। सो ये क्लोजली रिजेंबल करती है टू प्रोटोनेफ्रिडिया ऑफ फ्लैट वर्म्स। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल है एक पैरेलल इवोल्यूशन का, कि ये काफ़ी क्लोजली किससे रिजेंबल कर रही है, जो प्रोटोनेफ्रिडिया है फ्लैटवर्म्स का या फिर एनिलीड्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उससे। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल इवोल्यूशन। और कुछ और ऑर्गन जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं इन ब्रैंकियोस्टोमा या फिर एम्फियोक्सिस, वो देखते हैं हम। लेकिन उससे पहले जो लोग ACF की कोचिंग करना चाहते हैं उनके लिए अनअकैडमी जो है 100 डेज का क्रैश कोर्स लाया है फॉर ACF। सो इसमें GS और इंग्लिश का पेपर जो है, बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 5th of October, और ऑप्शनल बैच जो है वो स्टार्ट होंगे फ्रॉम 12th of October। सो ऑप्शनल में बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रीकल्चर जो है सब्जेक्ट रहेंगे। सो इसमें जो है मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आपको। इसके अलावा संदेह सत्रों के साथ जो है लाइव मार्गदर्शन आपको प्रदान किया जाएगा बाय द बेस्ट एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी। सो अनअकैडमी प्लस में जो है सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और फिर लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं RPSC ज्ञान टू अवेल 10% डिस्काउंट, यानी 10% जो है आपको छूट मिलेगी टोटल फीस पर। सो ऑल द बेस्ट, जिन लोगों को कोर्स लेना है वो ले सकते हैं अनअकैडमी की प्लस ऐप जो है उस पर। सो प्रोटोनेफ्रीडिया जो क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया जो है, हाँ देखो, ये एम्फियोक्सिस में जो है ये सिंपल क्लोज एंड सीलिएटेड, दिस इज सीलिएटेड सैक लाइक एंड थिन वॉल्ड एक्टोडर्मल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि 90 to 100 होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं ऑन डॉर्सल लेटरल फेरिंजियल गिल वॉल्स जो हैं, जो गिल स्लिट्स हैं उनके गिल वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, और हर एक नेफ्रिडियम जो है वो बेंड होके एक अपर पोस्टियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब बनाएगा और एक इंटीरियर वर्टिकल लिम्ब बनाएगा, ठीक है। सो नेफ्रिडियम जो है उसमें होते हैं क्या 500 के अराउंड सोलेनोसाइट्स होते हैं। सो ये जो है, जो डॉर्सल एंड इंटीरियर सरफेस है नेफ्रिडियम का, ये सेवरल स्मॉल ब्रांचेस को बनाता है, जो कि हर एक रिसीव करता है एक टफ्ट ऑफ फ्लेम सेल्स, जिनको हम सोलेनोसाइट्स कहते हैं। तो हर एक नेफ्रिडियम में अराउंड 500 सोलेनोसाइट्स होते हैं, और हर एक सोलेनोसाइट जो है वो नियरली 50 μ जो है लंबा होता है, एंड इसमें जो है टाइनी राउंडेड न्यूक्लियेटेड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो जो लॉन्ग यहाँ पर फ्लैजुलम है जो अराइज हो रहा है फ्रॉम अ माइन्यूट बेसल बॉडी इन द सेल, ये एक्सटेंड होता है थ्रू द ट्यूब्यूल एंड प्रोजेक्ट फ्रीली इनटू द ल्यूमेन ऑफ नेफ्रिडियम। अब जो सोलेनोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं, जो नेफ्रिडिया है वो रिचली सप्लाइड होता है विद ब्लड वेसल्स, एंड उसमें जो सोलेनोसाइट्स हैं ये फ्रीली प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि सिलोमिक फ्लूइड में जो है मूव करते हैं, दे फ्रीली प्रोजेक्ट इनटू द सिलोमिक फ्लूइड। सो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है बाय सोलेनोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड एंड सिलोमिक फ्लूइड। ओके, तो याद रखना है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहाँ से, कौन उनको एक्सक्रीट कर रहा है, सोलेनोसाइट्स कर रहे हैं फ्रॉम ब्लड एंड सिलोमिक फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड में ये एक्सटेंड हो रहा है फ्रीली, तो वहाँ से ये कलेक्ट करेंगे एंड दे डिस्चार्ज बाय द नेफ्रिडियोपोर्स इनटू द एट्रियम, एंड फिर ये जो है एट्रियोपोर से बाहर जो है वाटर करंट, आउटगोइंग वाटर करंट के साथ बाहर चला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है इसमें, वो है हेशेस नेफ्रिडियम। ये एक सिंगल लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब है नेफ्रिडियम की ऑफ हेचेस, और ये जो है जो ओरल वुड है उसके रूप में ये लाई करती है टूवर्ड्स लेफ्ट एंड वेंट्रल टू द नोटोकॉर्ड। ओके,
सो इसका जो इंटीरियर ब्लाइंड एंड है ये उसको हम जो है समवॉट अहेड ऑफ द एचएस पिट, बट इंटीरियर पोस्टीरियर एंड जो है इसका ऊपर होता है इनटू द पेरिब्रैंकियल सैक ऑफ फेरिंग्स। ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है एंड ये जो है इट सप्लाइज ब्लड सप्लाइड ब्लड बाय द डॉर्सल अरोटा। तो इसको जो ब्लड है वो किससे मिल रहा है, डॉर्सल अरोटा से मिल रहा है। और ये जो एक स्ट्रक्चर है जो बेसिकली प्रोटोनेफिडियम की जैसा है, ठीक है। और इसकी जो सरफेस है वो बहुत सारे सोलेनोसाइट से कवर्ड रहती है और उसके जो है सिलोमिक सैक सैक से जो है वो सराउंडेड रहते हैं और ये एक्सट्रैक्ट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को। नेक्स्ट है ब्राउन फनल। ब्राउन फनल्स जो है ये दो सैक लाइक ब्राउन फनल जो है वो सिचुएटेड रहते हैं डॉर्सली अपॉन द पोस्टीरियर एंड ऑफ फेरिंग्स आई ऑन आइदर साइड, वन ऑन आइदर साइड, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे जो नैरो एंटीरियर एंड है उसमें हर एक फनल जो ओपन होता है इनटू द एपी ब्रैंकियल और या फिर डॉर्सल सिलोमिक कैनाल ऑफ इट्स साइड, और जो कि ब्रॉड पोस्टीरियर एंड जो है वो ओपन होता है इनटू द एट्रियम। ओके सो जो मोस्ट जो वर्कर्स हैं यहाँ पे वर्क जो है कंसीडर द फनल टू बी एक्सक्रीटरी, वाइल कुछ जो है यहाँ पे रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं। जो ये फनल्स हैं इनका मोस्टली काम क्या है कि एक्सक्रीटरी जो है उस एक्सक्रीशन में मदद कर रहे हैं, लेकिन ये रिसेप्टर ऑर्गन की तरह भी जो है काम करता है। ओके नेक्स्ट है रीनल पैपिला। सो ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द फ्लोर ऑफ एट्रियल कैविटी फ्रॉम रीनल पैपिला विच आर प्रोबेबली ऑल्सो एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। सो इसके अलावा ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है इन द एट्रियल वॉल ये सर्व करता है एक्सक्रीटरी फंक्शन एंड मोर ओवर इनसाइड द गोनैड्स स्पेशली इन टेस्टीज येलो मासेस आर फाउंड कंटेनिंग यूरिक एसिड जो कि एक्सपेल्ड होता है विद गैमीट्स, ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मेटाबोलाइट्स। सो ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है इसका नर्वस सिस्टम एंड उसके बाद जो है इसके सेंसरी ऑर्गन्स एंड लास्ट जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फिर ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे और एंड कर ही देंगे चैप्टर को। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखा तो करिए। आप लोग देखेंगे नहीं तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा वीडियो अपलोड करने का। सो डू वॉच एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।